So now we are talking about the multiplication. Multiplication means two forms, like signed multiplication, like unsigned. Unsigned means that is signed means negative numbers, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है वैसा. एंड एक है अनसाइंड. अनसाइंड मींस दोनों कोई साइन नहीं है, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, दोनों मतलब साइंस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग हियर. ये टू रिप्रेजेंटेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम्स वी विल लुक एट द बूथ मल्टीप्लीकेशन. ओके सो नाउ लुक एट द बूथ मल्टीप्लीकेशन. वॉट इज बूथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम? बूथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम which it is an algorithm which multiplies two integers hai na, signed or unsigned integers in two's complement form hai na, usko represent karenge apan two's complement form mein, signed bhi ho unsigned bhi ho represent karke multiplication karenge. So kyon booth multiplication algorithm apan use kar rahe? Because this approach using the fewer additions and subtractions than more straightforward algorithms hai na, isme थोड़ा सा कम एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस यूज करके अपन मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. इसीलिए बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इज द इम्पोर्टेंट वन. दिस इज वेरी ओल्ड एल्गोरिथम. एंड्रू डोनाल्ड बूथ उनका नाम है, उसी के नाम से एल्गोरिथम का नाम. इन 1950 उन्होंने एक कॉलेज पे अपना रिसर्च परफॉर्म कर रहे थे, तो वो अपना ये बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को इन्वेंट किया था. ओके okay? So this was the history booth multiplication. Okay, now we will look at the how we can perform this booth multiplication algorithm. How can we perform? So two integer numbers, suppose अपन two numbers को multiply कर रहे हैं, तो एक को अपन कहते हैं multiplier, दूसरी number को कहते हैं अपन multiplicand. Okay, ये सब आप जानते होगा, एक multiplier and multiplicand. Okay. So, ये टू नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट पे. एंड सेकंड है एक फर्स्ट मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट अपन किस रजिस्टर में रिप्रेजेंट करेंगे? ए एंड क्यू रजिस्टर्स, टू रजिस्टर्स यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट इंटीजर. एंड बी रजिस्टर विल बी यूज्ड फॉर द टू स्टोर द सेकंड, मतलब दैट इज मल्टीप्लिकेंट को स्टोर करने के लिए अपन सेकंड रजिस्टर दैट इज बी रजिस्टर को यूज करेंगे. एंड इस एल्गोरिथम को, इस मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए वी विल यूज द सीक्वेंस काउंटर टू काउंट द क्लॉक पल्सेस. क्योंकि कितने बार अपन को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, काउंटर तो रखना चाहिए, अदरवाइज वो इनफाइनाइट टाइम चले जाएंगे. इसीलिए सो दिस इज वेरी नेसेसरी टू कीप द सीक्वेंस काउंटर. देखिए यहाँ पर एक अपन फर्स्ट नंबर को देखिए, फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ए एंड क्यू यूज कर रहे हैं. ओके, सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बी यूज कर रहे हैं ना. तो यहाँ पर क्यू की लास्ट बिट एंड इसके बाद वाला बिट, ये दोनों क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन आर टू इम्पोर्टेंट नंबर्स है, डिजिट्स है टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन है ना. एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे पता चलेगा? ये दोनों बिट्स देख के, एक एग्जांपल से समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा. देखिएगा क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन ये दोनों बिट्स अपन लेंगे. सपोज एडिशन करना है तो ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन मीन्स टू कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ बी को एड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन. ओके, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन इफ दोनों जीरो जीरो वन वन है तो ओनली वी विल परफॉर्म द अर्थमैटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ओके, इफ इट इज जीरो, क्यू एन इज इक्वल टू जीरो, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, वी विल परफॉर्म द एडिशन प्लस अर्थमैटिक शिफ्ट राइट, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर वन जीरो है तो सब्ट्रैक्शन प्लस अर्थमैटिक शिफ्ट राइट, ये नोट करिएगा आप लोग. इफ इट इज जीरो जीरो अर्थमैटिक शिफ्ट राइट ओनली वी विल परफॉर्म. ओके, इफ इट इज जीरो वन वन जीरो, जीरो वन है तो एडिशन प्लस अर्थमैटिक शिफ्ट राइट, वन जीरो है तो सब्ट्रैक्शन प्लस अर्थमैटिक शिफ्ट राइट वी विल परफॉर्म. ओके, सो अर्थमैटिक शिफ्ट राइट का एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, क्या होगा अर्थमैटिक राइट शिफ्ट राइट एग्जाम्पल. सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया मैंने, यहाँ पर कितने जीरो है बेटा? फाइव जीरो एंड वन जीरो है. इसको सपोज अपन अर्थमैटिक शिफ्ट राइट करना है ना,
राइट टूवर्ड्स राइट अपन है ना राइट हैंड साइड पे अपन को शिफ्ट करना है. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे मतलब जीरो है तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे अपन. देखिएगा वहां पर फाइव जीरो से तो आफ्टर शिफ्टिंग क्या हो गया यहाँ पर सिक्स जीरो आ गया एंड लास्ट राइट मोस्ट बिट वन है वो वन यहाँ पर रुक गया. मतलब इसके बाद वाला जीरो कहाँ गायब मतलब इसके बाद नेक्स्ट वाला बिट पे शिफ्ट हो चुका है ना. अपन सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सेवन बिट्स पे रिप्रेजेंट करना है तो एक जीरो को अपन लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया एंड यहाँ वाला राइट हैंड साइड वाला जीरो को अपन नेक्स्ट बिट में शिफ्ट किया तो उसका दिखेगा नहीं अपन को. अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में यहाँ फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो से स्टार्ट है तो जीरो ही शिफ्ट करेंगे. अगर वन से स्टार्ट है नेक्स्ट वाला बिट देखिएगा नेक्स्ट वाला बिट देखिएगा यहाँ पर वन ट्रिपल वन जीरो है ना. ट्रिपल वन जीरो पे क्या है यहाँ वन से स्टार्ट है सो क्या कर रहे हैं वहां पर अगेन यू आर वन को लेकर आ रहे हैं फोर बिट्स में रिप्रेजेंट करना है. बाकी तीन वन यहाँ पर क्या है वो तीन वन यहाँ पर आ गया. ओके मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है तो जीरो ऐड करेंगे यहाँ पर वन है तो वी विल ऐड द वन. दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. ओके नॉर्मल शिफ्ट राइट में हमेशा जीरो ही ऐड करते हैं बट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में अपन को वन है तो वन ऐड करेंगे जीरो है तो जीरो को ऐड करेंगे. ओके सपोज यहाँ पर देखिए जीरो जीरो वन जीरो वन है ना यहाँ फाइव बिट्स को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है इस यहाँ पर सिक्स बिट्स इसीलिए रिप्रेजेंट किया मतलब यहाँ का वन कहाँ गायब हो जाएगा. यहाँ पर लास्ट बिट क्या है दिस इज जीरो सो यहाँ पर टू जीरो से क्या हो गया एक और बिट जीरो एक्स्ट्रा आ गया बाकी जीरो जीरो वन जीरो यहाँ पर क्या है जीरो जीरो वन जीरो सेम यहाँ पर है जीरो जीरो वन जीरो यहाँ का वन नेक्स्ट बिट पे रिप्रेजेंट हो गया. मतलब अपन फाइव बिट्स को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ तक के दिखाएंगे ये वन यहाँ से गायब हो गया. ओके सो दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट एग्जाम्पल है ना. एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया सबको समझ में आ गया. कितने लोग आ गया मैम तो सबको समझ में आ गया ना. तो नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पर मैं परफॉर्म कर रही हूँ. यहाँ पर 2 × 5 पहले मैं बता रही हूँ अनसाइन वाला मल्टीप्लिकेशन है ना कोई साइन को रिप्रेजेंट नहीं करना है मुझे अभी ओनली अनसाइन मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही मैंने इसके बाद अपन साइन वाला देखेंगे. ओके सो देखिएगा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बी है ना बी इज इक्वल टू अपन टू को यहाँ पर मैंने फाइव बिट्स को ले लिया बेटा. ओके एक एक रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज द फाइव बिट रिप्रेजेंटेशन दैट इज 00010. सपोज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन है ना इसको टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया यहाँ पर 01 एज इट इज लिखा 01 है ना यहाँ पर बाकी 111 है ना इसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया दिस इज द टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ टू टू को यहाँ लिया. ओके हाँ मैंने पहले बता चुकी थी इफ यू वांट टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन वी नीड दिस ऑल एक क्यू एन क्यू एन प्लस वन अभी इनिशियल है तो वी डोंट नो नथिंग है ना इसीलिए तो जीरो जीरो सो मैंने एक बिट को तो यहाँ रिप्रेजेंट किया बी में और ए एंड क्यू में दूसरी बिट को दूसरी नंबर को रिप्रेजेंट करना है. दूसरी नंबर क्या है फाइव सो ये में क्या है ये 10 बिट में रिप्रेजेंट करना है. 10 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो बाकी सब तो जीरो सी होगा है ना ये में 00000 अब 5 का क्या है बाइनरी फॉर्म 101 है सो बाकी 00101 ए एंड क्यू में बोथ. सपोज यहाँ 5 रिप्रेजेंट किया इसीलिए ऐसा मैंने रिप्रेजेंट सपोज 179 को रिप्रेजेंट करना है 179 इट विल बी मोर देन 5 बिट्स है ना यहाँ पर सो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 179 का कितना फॉर्म होगा ये पूरा रिप्रेजेंट करेंगे. ए एंड क्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एक नंबर सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ए एंड क्यू रजिस्टर्स को यूज करेंगे. ओके नेक्स्ट यहाँ पर यह है क्यू एन प्लस वन है ये सीक्वेंस काउंटर 5 लिया मैंने. ओके सीक्वेंस काउंटर 5 क्यों लिया मैंने बिकॉज बी नंबर मतलब बी नंबर पे कितने डिजिट्स है टोटल दैट इज 5 डिजिट्स है 00010 तो 5 डिजिट्स है सो इसीलिए सीक्वेंस काउंटर को 5 यहाँ पर 4 बिट्स लिया मैंने तो अपन यहाँ क्या लेंगे 4 लेंगे तो यहाँ पर 5 डिजिट्स लिया मैंने इसीलिए तो सीक्वेंस काउंटर इज 5 गॉट इट.
एक बी में अपन टू को रिप्रेजेंट किया है ना, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी अपन को चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे. सो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू 111 4 1s and 0. इट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 एंड ए इज 0 0 0 0, क्यू इज 10 मतलब 101 दैट इज 5 का रिप्रेजेंटेशन. ओके अभी सेकंड स्टेप देखेंगे. ओके सीक्वेंस काउंटर इज 5 है यहाँ पर. सो नेक्स्ट देखिएगा Q की लास्ट बिट दैट इज कॉल्ड Qn, इसके बाद वाला बिट है दैट इज Qn प्लस 1. इनिशियली इट इज 0 है ना, Qn प्लस 1 अपने पास कुछ भी नहीं है, सो इट इज 1 and 0. ओके सो Qn इज इक्वल टू 1, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया Qn इज इक्वल टू 1 एंड Qn प्लस 1 इज 0, दैट इज इनिशियली इट इज 0 फर्स्ट स्टेप में इट इज 0. ओके सो 1 0 है तो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया था, इफ इट इज 1 0 यू नीड टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मींस क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को ऐड करना है, दैट इज द सब्ट्रैक्शन है ना. सो देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पर, ये है दिस इज 0 0 0, इसको टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को ऐड किया. टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, 4 1s and 0. ओके 4 1s and 0 को ऐड किया, समझ में आ रहा है, इट इज 1 0, दैट्स व्हाई वी नीड टू यू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मींस एडिशन ही है, बस उसको टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऐड करना है. सो ये ऐड किया मैंने, ऐड करने के बाद क्या आया, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1, सेम यही नंबर रिपीट हो गया. ओके तो 4 1s and 0 रिपीट हो गया. इसके बाद क्या किया मैंने, ये Q को अपन को शिफ्ट राइट परफॉर्म करना है, इसलिए Q को एज इट इज लिखा 0 0 1 0 1, Qn को भी एज इट इज Qn प्लस 1 को एज इट इज लिखा 0 है ना, सेम यहाँ का यहाँ पर. अभी क्या परफॉर्म करना है अपन को, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किसको करना है, A Q Qn प्लस 1, मतलब ये तीनों बिट्स को राइट हैंड साइड पे अर्थमेटिक शिफ्ट करना है. अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या करना है, मैंने पहले बता चुकी थी आपको अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या है, तो उसमें क्या है, सपोज यहाँ पर 4 1s है ना, 1 से स्टार्ट हो, मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट इज स्टार्टिंग विद द 1, सो अगेन एक और 1 को ऐड किया मैंने. ओके उसको इसीलिए ब्लैक में रिप्रेजेंट किया मैंने, 1 को ऐड किया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड अपन शिफ्ट कर रहे, सो ये बाकी 4 1 कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ का 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बाकी यहाँ का 0 0 1 0 0 0 1 0 एज इट इज लिखा, यहाँ का 1 कहाँ गया, यहाँ गया. एक बार इफ यू परफॉर्म द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन देन द सीक्वेंस काउंटर विल बी 4, इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, एक डिक्रीमेंट करेंगे. तो कितनी बार परफॉर्म करना है ये सीक्वेंस काउंटर, कब तक 0 नहीं हो जाए तब तक करना है. अभी क्या है, फर्स्ट इनिशियल इट इज 5, अभी एक बार शिफ्ट हो गया इसीलिए अभी का क्या है, इट इज 4. यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस मैम. हाँ आप लोग अपने उस पे परफॉर्म करते देखिएगा, रिप्रेजेंट करिए पहले b, इट इज 2 b प्लस 1, आप लोग भी लिखिएगा ये qn qn प्लस 1, यहाँ पर इसलिए क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वो लिखना है, ये q यहाँ पर बेटा qn प्लस 1 इट इज qn प्लस 1, यहाँ पर है सीक्वेंस काउंटर लास्ट वाला और कॉलम है दैट इज sc सीक्वेंस काउंटर. आप लोग भी मेरे साथ साथ परफॉर्म करके देखते हैं ना. सो यहाँ पर qn इज इक्वल टू 1 एंड qn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए 1 0 है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया. परफॉर्म करने के बाद अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किया. ओके अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किया करने के बाद अपने पास a के पास ये है, q पे a बिट है मतलब ये वाला डिजिट से, एंड अपना qn प्लस 1 में 1 आ गया एंड सीक्वेंस काउंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 4. सीक्वेंस काउंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 4. ओके हाँ अब देखिए अब देखिएगा
qn, again you need to take the qn and qn plus 1 देखना है अपन को. So इसीलिए qn is equal to 0 and qn plus 1 is equal to 1, है ना? 0 and 1, 1 0 है तो subtraction करना है, 0 1 है तो क्या करना है अपन को? Addition perform करना है. हाँ, addition perform. Addition means b को add करना है, subtraction means इसको add करना है. इसलिए मैंने two numbers यहाँ पर ले लिया. Okay? So addition means ये है 0 0 0 1 0, है ना? इसको add करना है दोनों को बीच में. ये a है, a को add करना है ना? So अब add करिएगा 1 plus 0 it is 1 1 plus 1 it is 1 0, है ना? ये 1 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया, 1 plus 1, है ना? So 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया. तो अगेन 1 plus 1 इट इज 0 1 0 1. एक कैरी आ गया, कैरी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है? दोनों ऐड करना आ गया आप लोगों को. कैसे ऐड करना? ट्रिपल 5 1s है एंड 0 0 0 1 0. 1 plus 0 इट इज 1 1 plus 1, 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, प्लस अगेन 1 plus 1 0 1 1 plus 1 0 1 1 plus 1 0 1. कैरी को छोड़ दीजिएगा, बाकी कितना 5 bits क्या है वो लिखिएगा यहाँ पर. क्या आ गया? 0 0 0 0 1 आ गया. ओके, इसके बाद इसको एज इट इज लिखिएगा, 0 0 0 1 0 इट इज एज इट इज 0 0 0 1 0. यहाँ का 1 है, 1 को एज इट इज लिखिएगा. ओके, इसके बाद अपन को क्या करना है? यू नीड टू अर्थमैटिक शिफ्ट राइट, है ना? किसको? ए क्यू एंड क्यू एन प्लस 1, ये तीनों को, ए क्यू क्यू एन प्लस 1 टूवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है. ओके, सो देखिएगा, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड रेड को यूज नहीं किया था. यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 4 0 है तो 5 0 हो गया, है ना? 4 0 से तो 5 0 हो गया, 1 0 एक्स्ट्रा आ गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ का 1 यहाँ गए. ओके, 3 0 से 3 0 से एज इट इज लिखा, यहाँ का 1 यहाँ लिखा एंड यहाँ का 0 यहाँ शिफ्ट हो गए. After every arithmetic shift right, you need to decrement your sequence counter. So देखिएगा, यहाँ पर भी ASR हो गया तो 4 हो गया, यहाँ पर भी ASR हो गया तो यहाँ पर 3 हो गया. So are you performing everybody? Yes ma'am. आज कौन कौन आया? आदर्श नहीं आया क्या? No ma'am. अच्छा, विपुल है, रागिनी है एंड राहुल. यस मैम, राहुल. अच्छा, ओके. ओके, परफॉर्म करने के बाद ये 3 आ गया. ओके, गॉट इट? सीक्वेंस काउंटर जो है, हाँ मैम, सीक्वेंस काउंटर 0 तक जाना चाहिए, तब तक अपन को करना है. हाँ, तब तक अपन को करना है. तो इसका मतलब 5 4 3 2 1 0 वहां तक करना है. रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए होता है क्या वो, कि उसके आगे ना चले अपन? हाँ, इसीलिए मतलब आपको सीक्वेंस काउंटर कब तक एंड तो होना चाहिए ना, कोई ऑपरेशन के लिए, कोई भी मतलब प्रोसीजर के लिए, एंड के लिए वो सीक्वेंस काउंटर विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स. एक हो गया, है ना? ये अभी 3 तक हो गया, मतलब 5 तो इनिशियल है, 4 3 2 1 0 अपन 5 बार परफॉर्म करेंगे. ओके, देखिए यहाँ 3 तक अपन देख चुके थे, है ना? 3 के बाद सो इट इज व्हाट इज दिस लास्ट बिट qn, इट इज 1 एंड इट इज 0. qn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0. यहाँ पर लिया मैंने 1 and 0, 1 and 0 ऊपर भी लिया तो what we performed that is subtraction. So क्या perform करना है अपन को? We need to perform the subtraction. Okay, subtraction with a bit. तो subtraction means add the 2's complement form, है ना? So देखिएगा यहाँ पर 0 0 0 0 ये a में है तो यहाँ का 1 1 4 1 and 0 इसको यहाँ पर लेकर आ गया मैंने. इसको ऐड कर दीजिएगा तो ऊपर 0 से तो सेम नंबर आ जाएगा, 0 plus 0 0 0 plus 1 1, ये सब 1 1 1 1 0 अपन को आ गया. तो यहाँ का एज इट इज नंबर क्यू में क्या है? एज इट इज यहाँ पर लिखिएगा,
that is 1001 as it is. I have written here, and it is 0, that is Qn plus 1, same as it is, I represented here. Okay. अब इसको क्या करना है, after the subtraction, we need to perform the arithmetic shift right of Q, Qn plus 1, A, U and Qn plus 1, है ना? तो इसको perform करेगा, it is arithmetic shift right, already I mentioned before, previous slide, that is, here it is started with left hand side, started with 1, so we need to add one more 1, यहाँ पर कितने 1 है बेटा, 4 1 है, तो क्या किया मैंने, एक 1 को add किया, बाकी 4 1 को एज इट इज लिखा, तो ओके एक एक रजिस्टर में अपन 5 बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए 5 बिट्स तक यहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने. ओके तो 1 ऐड करके बाकी जगह कितना है 4. अब यहाँ का 0 कहाँ गया, यहाँ आ गया, बाकी यहाँ का 1000 यहाँ, तो 5 बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते, बाकी 1 को कहाँ गया, तो इट विल बी 1 हियर. सो आफ्टर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट द सीक्वेंस काउंटर 3 के बाद क्या हो गया, 2 yeah, it is 2. Okay, got it? सबको ये सेम आ गया ना आंसर ऐड करने के बाद, कुछ दूसरे आ रहे? नहीं सेम आ रहे ना. सो वी आर परफॉर्मिंग द 5 into 2 दैट इज इक्वल टू 10, अपन को आंसर आना चाहिए, अभी 2 हो गया है ना. देखिए 2 होने के बाद यहाँ पर 0, इट इज 1, okay, 0 and 1, that means we need to perform the addition operation, we need to perform the addition operation means 0, 0, 0, 1, 0 को यहाँ मतलब add करना है, number को add करना है, तो यहाँ पर 5 1s है, 0, 0, 0, 1, 0 add करना है, so देखिएगा 1 plus 0 it is 1, 1 plus 1 it is 1, 0, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर आ गया, okay, so again 1 plus 1 it is 0, 1. So, एक कैरी आ जाएगा, कैरी को छोड़ दीजिएगा, क्या आंसर आ गया, 4 zeros and 1. Okay, it is the answer of adding these two numbers, है ना? So, 0, 1, 000 को as it is लिखा and 1 को as it is लिखा, 1 को as it is लिखा मैंने. Okay, अब we need to perform the arithmetic shift right of AQ Qn plus 1. So add मतलब shift करेगा, या 0 से start है इसीलिए 5 zeros हो गया, यहाँ पर 4 zeros है तो एक 0 को add किया, 1 को यहाँ shift किया मैंने, और 1 0 1 0 0 0 1 0 0 को लिखा, यहाँ का 0 को यहाँ किया. So what does it mean? It is decremented by 1. Sequence counter is decremented by 1. एक 1 decrement किया. यहाँ पर क्या है अभी 0 and 0. कब तक परफॉर्म करना है अपन को? 0 तक परफॉर्म करना है, तो अभी 1 तक आ गए. तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसी पे क्या, अच्छा बीच में एक स्लाइड गायब है क्या? हाँ ओके, यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, हाँ यही पर लिखा था, वो वहां दिन नहीं दिख रहे. देखिए ये 0 and 0 it is sequence counter is 1 है, 1 है तो, so last bit क्या है, क्या है 0 and 0, यहाँ पर लिखा qn is 0 qn plus 1. So यहाँ पर simply आपको एक और slide में बता चुकी थी मैंने, 0 0 1 1 है तो just no need to add addition and subtraction करने का जरूरत नहीं है, simply you need to shift it. So arithmetic shift right, shift करिएगा ये triple, मतलब ये zeros को, कितने भी zeros, एक और 0 add हो गया, ये 0 इधर आ गया, 101 यहाँ लिखा और 0 फिर यहाँ पर 0 हो गया, ये sequence counter 0 हो गया. अपन को तो complete करना है process, answer यहाँ पर आना चाहिए. So what is the answer? If 5 zeros, 0 1 0 1 0, है ना? 5 into 2 क्या है बेटा? 5 into 2 is equal to 10 है. 10 को binary form में convert करके देखिए. One zero one zero. So देखिए, answer is in A and Q.
5 into 2 is equal to 10 और 10 का बाइनरी फॉर्म. सो आप लोग को 4 बिट में आंसर आ गया ना 1010. बाकी 6 बिट को अपन कुछ नहीं है तो 10 बिट में रिप्रेजेंट करना है इसको. तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, देखिए 1010 तो आंसर है 1 2 3 4 5 6. 6 बिट्स इज 000. यही आया आंसर, नहीं आया यही. ये दिखने रहना यहाँ पर एंड. देखिए 000001010 इज द आंसर. 5 into 2 इज इक्वल टू 10 आ गया. तो मल्टीप्लीकेशन अपन कुछ किया नहीं है, यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एकदम से अपन एडिशन ही परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन भी नहीं किया, सिर्फ नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐड किया, दैट इज द सब्ट्रैक्शन. करके अपना मल्टीप्लीकेशन आ गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म किया था. सो 10 इज इक्वल टू 000001010. दिस इज द एक्चुअल आंसर. सो नाउ परफॉर्म द 4 into 3. आप लोग अपने साथ मतलब परफॉर्म करिएगा. सो यहाँ पर मैंने ले लिया 4 into 3. 3 को मैंने बी में लिया, 4 को मैंने ए पे रिप्रेजेंट किया. qn plus 1 इट इज इक्वल टू 0, सीक्वेंस काउंटर इज इक्वल टू 5, है ना. इसको परफॉर्म करके कल अपना स्क्रीनशॉट पे मुझे दिखाना है, मतलब नेक्स्ट क्लास पे. नेक्स्ट मैं बता दूंगी आपको दूसरी क्या है, साइंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उसको रिप्रेजेंट. आज क्यों स्ट्रेंथ इतना कम है, बोर हो गए? ओके कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ. सो 4 into 3 को परफॉर्म करके देखिएगा आप लोग. 4 into 3 को तो एज इट इज अभी तक क्या किया मैंने, 5 up to 0 तक परफॉर्म करना है. qn एंड q मतलब q की लास्ट बिट एंड qn प्लस 1 ये दोनों लेकर करके फिर मुझे आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 12 आंसर आना चाहिए आपको, है ना. 12 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट. क्या क्या सीक्वेंस काउंटर कैसे चूज किया जाता है? सीक्वेंस काउंटर ऐसा चूज किया जाता है, बी में कितने बिट्स लिया मैंने, 5 बिट्स, है ना. कोई भी ए रजिस्टर पे कितने बिट्स को रिप्रेजेंट किया मैंने, 5 बिट्स. सो यहाँ पर 5 यूज कर सकते हैं. सपोज आपने 4 पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ए में भी 4, क्यू में भी 4, सो बी में भी 4, तो यहाँ पर 4 ले लीजिएगा. सपोज यहाँ 10 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 10 लेना पड़ेगा. नंबर ऑफ बिट्स विल बी डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर के कितने बिट्स आप ले रहे हो. ओके ठीक है. आप ये परफॉर्म करके देखिएगा आप लोग, 00 मतलब 4 into 3 12 आया नहीं आया. सो जस्ट नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिएगा, कोई भी डाउट्स है बता दीजिएगा. नेक्स्ट वी विल लुक एट द नेक्स्ट आंसर, मतलब साइन माइनस. सपोज 4 into -3 को कैसे परफॉर्म करेंगे, या -3 into 5 को कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना. अभी तो कोई साइन बिट नहीं है यहाँ पर तो ठीक है. हाँ देखिए, और एक बार ऊपर से देखिएगा, दिस इज अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. शिफ्ट राइट एडिशन करेंगे, 01 है तो 10, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना. देखिए ऐसा किया मैंने, 01 यहां से शुरू किया, 5 फिर ऐड किया, सब्ट्रैक्शन मतलब ऐसा किया, फिर शिफ्ट किया, है ना. ऐसा आप लोग को भी परफॉर्म करके मुझे आंसर को बताना है. ओके चलिए आज के लिए क्लास खत्म कर देंगे. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू. ओके थैंक यू. थैंक यू मैम.